आगे नाथ ना पीछे पगहा, जैसे माटी में लोटे गधा, वही सम्राट चौधरी है ना, कोई वैल्यू नहीं। अरे गर्मी से थोड़ा पसीना हो गया था, दिमागवा हैंग कर गया था, तो अलबला के अलबला बोल रहा था। तो इस सब से बचने के लिए अब ठंडा दिन है तो शीतल शीतल होगा दही, हम तो कहेंगे भैया नहीं कुछ है तो हम यादव है हमारा घरे दही भी लगा लिए हम बेलवा में, ताकि दिमाग ठंडा रहेगा। हमको ये तो नहीं पता कि वो श्री राम जी को अर्पित करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है अयोध्या जाने वाले हैं, लेकिन पगड़ी वो पहले ही समर्पित कर दी है, आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं। किसको नीतीश जी के चरणों में। सम्राट चौधरी का ना आगे के ठीक है ना पीछे के ठीक है, वो कब क्या बोल देंगे मुरठाधारी नेता, वो कब क्या बोल देंगे मुरठाधारी को आते पता नहीं। नहीं बांधे थे वो, नौटंकी कर रहे थे, उनकी नौटंकी तो समझ में आया। 2004 से आज तक का लगातार सेंट्रल में और स्टेट में गवर्नमेंट रहते हुए अपराध देखिए कितना बढ़ा है। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला स्टार्ट है। देखिए गर्मी के मौसम के बाद जो है बरसात का मौसम आने वाला है, यानी कि मौसम परिवर्तन आने वाला है। इसी मौसम परिवर्तन के साथ साथ जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हृदय परिवर्तन भी हो गया है। अब वो कैसे हो गया है, वो जो है अपनी पगड़ी उतारने वाले हैं जुलाई में। जुलाई में जो है मानसून जो है पूरे तरीके से बिहार में आ जाएगा, उसके साथ ही जो है वो पगड़ी उतारेंगे। वही सम्राट चौधरी जो कहते थे कि नीतीश कुमार को जब तक हम सत्ता से नहीं उतारेंगे तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे, और अभी सत्ता में उन्हीं के साथ है। आखिर क्या वजह रही है इस हृदय परिवर्तन की, हमारे साथ जनता है, जनता थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसके बारे में क्या कहेगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, वो कह रहे हैं कि हम अपनी पगड़ी उतार देंगे, उनका पगड़ी बड़ा फेमस है, उसके बारे में क्या कहेंगे। अरे जंगल राज पार्ट टू के डायरेक्टर हैं सम्राट चौधरी। पार्ट वन कौन है? पार्ट वन जब था तो जनता ने 2004 में परिणाम दिया, सत्ता परिवर्तन हुआ, और 2004 से आज तक का लगातार सेंट्रल में और स्टेट में गवर्नमेंट रहते हुए अपराध देखिए कितना बढ़ा है। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला स्टार्ट है, सब भ्रष्टाचार का भेंट चल चुका है। अब बताइए ये भ्रष्टाचार के शिकार सरकार है, तो सम्राट चौधरी की पगड़ी का जहाँ तक सवाल था ने, वो पगड़ी नहीं बांधे थे, वो नौटंकी कर रहे थे। उनकी नौटंकी तो समझ में आया कब, जब उन्होंने वादा किया था कि नीतीश कुमार को जब तक नहीं सत्ता से उतार देंगे तब तक हम पगड़ी खोलेंगे नहीं। अब उनको इतना लालच बढ़ गया दिल मनों में कि उप मुख्यमंत्री बन बैठे बिहार के और आज तक पगड़ी बांधे बैठे हैं। तो ये सब बैसाखी के सहारे चलने वाले हैं, जनता के वोट से नहीं आए हैं, ये MLC बनकर आए हैं बैकडोर से। तो इनकी कोई भूमिका है बिहार में, ये पाखंडी लोग हैं, देश को मुद्दे से भटकाने वाली बात कर रहे हैं, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर, अर्थव्यवस्था पर, कल कारखाना कैसे चालू हो, इस पर, ये तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दे पर कोई बात करना नहीं चाहता है पाखंडी लोग, अवंध भक्त लोग। और भी लोग हैं उनसे पूछेंगे, सम्राट चौधरी जो है पगड़ी उतारने वाले हैं। अरे भाई सम्राट चौधरी का ना आगे के ठीक है ना पीछे के ठीक है, वो कब क्या बोल देंगे मुरठाधारी नेता, वो कब क्या बोल देंगे मुरठाधारी को आते पता नहीं है। आगे नाथ ना पीछे पगा, जैसे माटी में लोटे गधा, वही हाल को अर्पित करेंगे पगड़ी अपने। अरे भैया वो झूठ का अड्डा है, वो बोला के नीतीश को नहीं हटाएंगे तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे, वही नीतीश के साथ उप मुख्यमंत्री बन गए। तो बिहार से आकर माफी मांगी है कि आप बिहार के जनता को झूठा वादा किए थे कि हम नीतीश कुमार को सत्ता से हटाएंगे। अरे नीतीशे के सत्ता में आप मंत्री बने, नीतीशे के सत्ता में आप उप मुख्यमंत्री बने, तो झूठ किससे बोल रहे हैं। तो सम्राट चौधरी का ना आगे का ठीक है ना पीछे का ठीक है, नीति में कुछ भी संभव है। अरे कुछो संभव का मतलब क्या, कुछ संभव का मतलब अपना अस्तित्व खत्म कर देगा लोग। अरे अब वादा का पक्का होना चाहिए, जुआन का पक्का होना चाहिए, जुआन की गारंटी होना चाहिए। आगे नाथ ना पीछे पगहा, जैसे माटी में लोटे गधा, वही सम्राट चौधरी है ना, कोई वैल्यू नहीं, उसको कभी भी बोल देता है मंत्री बन ना गए। अरे तो किसके किसके दुआ कृपा से बने, नीतीश कुमार आ कह रहा है कि नीतीश को जब तक नहीं हटाएंगे तो मुरठिया नहीं खोलेंगे, आज सुन रहे कि मुरठा खोले जा रहा है। अरे गर्मी से थोड़ा पसीना हो गया था, दिमागवा हैंग कर गया था, तो अलबला के अलबला बोल रहा था। तो इस सब से बचने के लिए अब ठंडा दिन है तो शीतल शीतल होगा दही, हम तो कहेंगे भैया नहीं कुछ है तो हम यादव है हमारा घरे दही भी लगा लिए हम बेलवा में, ताकि दिमाग ठंडा रहेगा। यादव जी ऐसे तो नहीं बोल रहे, दिमाग ठंडा रखने के लिए दही गिफ्ट किया जाएगा, बेल में लगा दिया दिमाग ठंडा रहेगा, और उलूल जुलूल बयान देने से बचिए। सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं आप, ये कहता है वो कि हम बिहार को विशेष राज्य। अरे वित्त मंत्री हैं आप, निर्मला सीतारमन जी से आपका मीटिंग हुआ
तो एक जगह विशेष राज्य का नाम आप मुंह से बोले तक नहीं, एगो बड़का को मोमेंटो लेके था कागज में लिख लग के, वो कागज में पूरा एक शब्द भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं था। तो ये आदमी अधकपारी है, इसलिए मुरठा खुलवा रहा है, अच्छी बात है खुलवाए, झुक तो गया, झुक हर कोई झुकता है, झुकाने वाला चाहिए, बिहारी इसको झुका दिया, बिहार की जनता झुकाया, बिहार की जनता झुका दी, बिहार की जनता झुका दी, या फिर अपने मन से उनका हृदय परिवर्तन हो गया सम्राट चौधरी का? सम्राट चौधरी जी ने तो जो मुरेठा जब माने थे तो उन्होंने एक बात कही थी स्पष्ट रूप पे कि नीतीश कुमार जी को जब तक हम कुर्सी से नहीं गिरा देंगे तब तक ये मुरेठा खुलेगा नहीं। तो ऐसी क्या स्थिति बन रही है कि जो ये मुरेठा खुलने की स्थिति बन गई? अब उनकी पगड़ी, उनका मन भी लोग कह रहे हैं। मन, ये देखिए मन पे नहीं होती चीज़ें, ये मन उस समय मन नहीं था, ये बात तब हुई थी जब जब विपक्ष में और पक्ष में, जब नीतीश कुमार जी पक्ष में हुआ करते थे, जब ये विपक्ष में बैठा करते थे तब बोले थे कि नीतीश कुमार जी को जब तक हम पद से, मुख्यमंत्री के पद से जब तक नहीं हटा देंगे तब तक हम ये मुरेठा नहीं खोदेंगे। तो मुख्यमंत्री के पद से तो हटे नहीं, तो फिर मुरेठा कैसे खुल रहा है? आपसी स्नेह है, प्यार हो गया, स्नेह प्यार थोड़े दिन का प्यार है, फिर उसके बाद तकरार भी होगी, थोड़े दिन रुकिए तो सही। कौन है ऑल इज वेल? मन की पता है, नीतीश कुमार जी के मन की पता है कि नीतीश कुमार जी के मन में क्या चल रहा है? नीतीश कुमार जी के मन का कुछ नहीं पता है, नीतीश कुमार के मन का कुछ नहीं पता। नीतीश कुमार जी कब पलट जाएं, कुछ स्थिति कोई पिक्चर क्लियर नहीं होती, आपको ही पता है और मुझे ही पता है, सबको पता है, देश और दुनिया, मोदी जी को ही पता है। मोदी जी सभा में जब बोलते हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, तो मोदी जी मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार जी की तरफ देखते हैं कि बोल ले तो समझ लीजिए। तो हमारे साथ जो है जनता से पूछेंगे, सम्राट चौधरी को तो जानते होंगे, अवगत होंगे उनके देश के, वो ऐलान कर चुके हैं कि पगड़ी वो जो खोलने वाले हैं श्री राम को अर्पित करेंगे। हमको ये तो नहीं पता कि श्री राम जी को अर्पित करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, अयोध्या जाने वाले हैं, लेकिन पगड़ी वो पहले ही समर्पित कर दी है, आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं। किसको? नीतीश जी के चरणों में। तब और क्या, साथ में है तो प्यार है। अच्छा, साथ में है तो प्यार है। और जब राजद के साथ नीतीश जी थे तो कहते थे कि नहीं, जब तक नीतीश जी को मैं गद्दी से नहीं हटा देता तब तक अपना पगड़ी नहीं खोलूंगा। नीतीश जी तो राजद सबके प्यारे हैं। अच्छा, पक्के प्यारे हैं, सबके प्यारे हैं। अभी राजद के साथ भी आ जाएंगे तो राजद को भी अच्छे लगेंगे। एक है देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है, बात आपकी ठीक है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन बोलने से पहले सोचना चाहिए ना। ये वही अमित शाह है जो कहे थे कि भाजपा के सारे दरवाजे नीतीश कुमार जी के लिए बंद हो चुके हैं, और दरवाजे के नीचे से घुसा लिए हैं। राजद के नेता भी तो कटाक्ष कर रहे हैं, नीतीश कुमार अभी आएंगे तो वो रख लेंगे, तो राजनीति है, बिहार की राजनीति को समझना बड़ा मुश्किल। नहीं, हम नहीं रखने वाले हैं। आप नहीं, आप राजद वाले हैं। राजद वाले हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हम लोग नहीं रखेंगे। हम लोग नहीं चाहते हैं कि नीतीश जी फिर से हमारे पास आए और फिर से भाजपा में चले जाएं। ऐसे वो ऐलान कर चुके हैं कि अभी तो कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, रहेंगे राजद पे। देखिए नीतीश जी का बात, नीतीश जी यही कहे थे, मर जाना कबूल है लेकिन भाजपा में जाना कबूल नहीं है। ये मेरे शब्द नहीं है, नीतीश कुमार जी के शब्द हैं। हमारे साथ जो है जनता थी, जनता का कहना है कि जो सम्राट चौधरी है उनकी बातों का कुछ अता पता नहीं है, कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। और उनकी पगड़ी के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कह रहे थे कि नीतीश कुमार को हटाएंगे, अब पगड़ी क्यों हटा रहे हैं? नीतीश कुमार को बात हटाने की छोड़िए, अब तो खुद वो पगड़ी हटा रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर बताइएगा।